तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम अमोनिया के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अमोनिया आप जानते हो, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, ठीक है। और अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से है, यहाँ पे लोन पेयर है, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन होते हैं आप जानते हो, यह है अमोनिया का स्ट्रक्चर। ये जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे, ये है 100 बॉन्ड लेंथ 101.7 पिकोमीटर NH बॉन्ड लेंथ। वैसे ही आप ये जो NH HNH बॉन्ड एंगल है वो है 107.8 डिग्री, 107.8 डिग्री। और ये शेप है ट्रिगोनल, क्या होगा बच्चों बताओ, ट्रिगोनल पिरामिडल, आई होप यू नो ट्रिगोनल पिरामिडल शेप। तो ये था नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर और शेप, बॉन्ड एंगल NH HNH के बीच जो बॉन्ड एंगल है 107.8 डिग्री है, और HN जो बॉन्ड लेंथ है वो है 101.7 डिग्री। अब हमको नाइट्रोजन के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना होगा। तो ये मैं मिटा देता हूँ, नाइट्रोजन नहीं, अमोनिया। अमोनिया देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंडस्ट्रियल केमिकल है, बिकॉज जो फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, फर्टिलाइज़र अमोनिया बिना नहीं होता। अमोनियम के सॉल से ही फर्टिलाइज़र बनते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट या यूरिया, ये सारे अमोनियम के कंपाउंड्स हैं। तो इट इज़ फाउंड इन अब जानते हो ये सॉयल में भी पाया जाता है, कुछ अमाउंट में एयर में भी होता है, एयर एंड सॉयल। अगर आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा। अब ये सॉयल में कैसे बन आता है, सॉयल में ये कैसे आ जाता है, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एक्सक्रीटा जो होते हैं, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एक्सक्रीटा जिसमें यूरिया होता है, यूरिया। अब यूरिया का क्या है फॉर्मूला बच्चों, NH2CO NH2, ठीक है। ये सॉयल में प्रेजेंट होता है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है बच्चों, ये बना देता है आपका अमोनियम कार्बोनेट, और यही अमोनियम कार्बोनेट जो है डिकम्पोज होके बन जाता है 2NH3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके बना देता है अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉयल में ये कैसे आया, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया। यूरिया कहाँ से आता है, एक्सक्रीटा से आते हैं, एनिमल एक्सक्रीटा। तो सॉयल में इस तरह से आया। अब कभी कभी ना अमोनिया डिपेंड करता है, मे बी इट इज़ रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट एंड मे बी इट इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। तो जब हमको स्मॉल अमाउंट में प्रिपेयर करने हैं करना होता है तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, तो स्मॉल स्केल प्रिपरेशन में जान लो बच्चों क्या है, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। स्मॉल स्केल प्रिपरेशन, स्मॉल स्केल प्रिपरेशन के लिए कोई अमोनियम सॉल्ट लिया जाता है, फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट, और एंड इट इज ट्रीटेड विथ स्लेक्ट लाइम
और कॉस्टिक सोडा। तो मान लो अगर हम अमोनिया का एक सॉल्ट लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड 2NH4Cl प्लस स्लेक लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा NH3H2O प्लस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तो ये बैलेंस अगर हम करेंगे तो 2NH3 8 है, 2 वाटर और कैल्शियम क्लोराइड साथ में होगा। तो इस तरह से हम एक तरीका देख लिए कि अमोनियम क्लोराइड जो कि एक अमोनिया का सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट है, जब अमोनियम सॉल्ट मतलब अमोनियम क्लोराइड को हम स्लेक लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो हमें अमोनिया मिल जाता है। दूसरा तरीका है कि हम अमोनियम जो है कोई और सॉल्ट ले लें, अमोनियम सल्फेट, और यहाँ पे ये कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा मतलब Na क्या है, NaOH, NaOH का जब ट्रीटमेंट कराएंगे तो वही 2NH3 प्लस H2O प्लस Na2SO4, तो यहाँ पे 2Na चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया को प्रिपेयर कर सकते हैं स्मॉल स्केल में। मैं फिर से रिपीट करूँगा, अगर हमको स्मॉल स्केल में प्रिपेयर करना है तो क्या करना होगा, स्लेक्ट लाइम या कॉस्टिक सोडा लेना होगा और उसमें या तो अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट डालना होगा। अगर हम अमोनियम क्लोराइड लेंगे और उसमें स्लेक्ट लाइम डालेंगे तो भी अमोनिया मिलेगा, और अगर हम अमोनियम सल्फेट लेंगे और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो भी हमको अमोनिया मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया बना सकते हैं ऑन स्मॉल स्केल। अब हम नेक्स्ट मेथड दैट इज़ लार्ज स्केल की तरफ बढ़ते हैं। तो फटाफट ये नोट करो, मैं मिटाता हूँ। तो अब हम अमोनिया का लार्ज स्केल प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। लार्ज स्केल में अमोनिया कैसे बनता है, ये बनता है बच्चों एक प्रोसेस, बहुत ही फेमस प्रोसेस जिसका नाम है हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड K2O and L2O3 and we get 2NH3 gas. Now ये जो reaction है actually reversible reaction है, मतलब ये forward में भी हो सकता है backward में भी हो सकता है। तो according to Lee Chatelier's principle, अगर हम चाहते हैं कि ये reaction forward direction में हो तो हमको यहाँ पर high temperature लेना होगा, around 700 केल्विन, और जो प्रेशर है वो है 200 एटमॉस्फेयर। तो अंडर दीज कंडीशंस दिस आर कैटलिस्ट, वी विल गेट अमोनिया इन गुड यील्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू गेट अमोनिया इन गुड यील्ड, टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट। पहले जो क्या होता था, आयरन और मॉलिब्डेनम यूज़ होता था इंस्टेड ऑफ दिस, बट अभी यही है प्रोसेस, यही है मेथड टू प्रिपेयर अमोनिया ऑन लार्ज स्केल, एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज हेबर्स प्रोसेस। तो हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने देखा कि सॉइल में कैसे ये कहाँ से ये आ जाता है, ये एक्चुअली आता है एक्सक्रीटा से, दैट इज़ यूरिया के डिकम्पोजिशन से। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्मॉल स्केल में ये कैसे बनता है, उस लिए हमने देखा कोई अमोनियम सॉल्ट ले सकते हैं, उसमें या तो स्लेक्ट लाइम या कॉस्टिक सोडा डाल दो तो हमको अमोनिया मिल जाएगा। लेकिन अगर लार्ज स्केल
large scale, because ammonia is very essential component of fertilizers. In that case, we make use of Haber's process, and these are the conditions under which we can produce ammonia on large scale. Now we will move to the physical properties of ammonia. So let's rub it. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज आप जानते ही होंगे, कभी ना कभी लैब में अमोनिया, आई होप किसी ने कभी 11th में स्पेशली अमोनिया का स्मेल अगर लिया होगा तो कितना एक पंजेंट सा स्मेल है, आप जानते ही होंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहला, ये तो एक कलरलेस गैस है, फर्स्ट कलरलेस गैस विथ पंजेंट ऑर्डर। इसका स्मेल से ही हमको पता चल जाता है कि ये अमोनिया है। इसके बाद इसके जो फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है, 198.4 केल्विन। दिस इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 237.9 केल्विन। ये वैल्यूज़ आपको याद, 239.7 केल्विन नहीं याद करना है, जस्ट फॉर नॉलेज वी शुड नो दिस। इसके बाद हमने देखा था कि अमोनिया जो है, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फोरस से ज़्यादा होता है। क्यों? बिकॉज अमोनिया फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब इन जो अमोनिया है इन सॉलिड एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट, इट इज associated through hydrogen bond. Please remember, it is associated with hydrogen bond. So that's why it is having high melting point and boiling points. And next property is it is highly soluble in water. बहुत सॉल्युबिलिटी है, अमोनिया डालो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा पानी में। और इसका जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इट्स सॉल्यूशन इज बेसिक। व्हाट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी? द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दैट इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक। अगर हम अमोनिया को वाटर में डालते हैं तो क्या हो जाएगा? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मतलब इट विल ब्रेक अप इन टू NH4+ OH-। तो यहाँ पे देख रहे हो OH- आयंस प्रोड्यूस हो गए, तो OH- आयंस के प्रोड्यूस होने के कारण ये बेसिक हो जाता है। तो ये है आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कि अमोनिया एक बेसिक कैरेक्टर के कारण क्या करता है? इट प्रेसिपिटेट्स बहुत सारे मेटल्स को, इट प्रेसिपिटेट्स सर्टेन मेटल सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड्स।
जैसे कि मान लो अगर हम जिंक सल्फेट ले, जिंक सल्फेट प्लस NH4OH, NH4OH के ब्रैकेट में डालने की ज़रूरत नहीं है, वैलेंसी वन ही है, एक्वस, तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड ये प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस अमोनियम सल्फेट। तो ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड है ये सॉलिड स्टेट में होगा, सॉलिड, और ये वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, वाइट PPT। तो अब देखो यहाँ पे NH4OH जो है यहाँ हमको 2 लगा देगा, होगा ZnSO4 OH हाइड्रोक्साइड तो है ही। तो इस तरह से कोई भी मेटल सॉल्ट, सम सर्टेन मेटल सॉल्ट्स को अगर हमको प्रेसिपिटेट कराना है तो क्या करना होगा, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, जैसे कि जिंक, जिंक सल्फेट को ये क्या करेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड में प्रेसिपिटेट करा देगा सॉलिड स्टेट में, तो हमको प्रेसिपिटेट मिलेगा। वैसे ही फेरिक क्लोराइड FeCl3 अगर हम NH4OH ले लें तो यहाँ भी क्या होता है, आपको फेरिक ऑक्साइड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है प्लस व्हाट, प्लस वी विल गेट अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड यहाँ पे होगा। तो ये दो एग्जांपल्स हैं जिसको आपको याद करना होगा, एक है जिंक सल्फेट में अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, और दूसरा है अगर हम फेरिक क्लोराइड भी ले लेंगे उसमें भी अगर NH4OH डाल देंगे तो क्या होगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का। तो ये था आपका 6th प्रॉपर्टी, आप ये नोट करो, फिर हम 6th प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, 7th प्रॉपर्टी, सॉरी। तो आई होप आपने नोट कर लिया, तो मैं ये फटाफट मिटा देता हूँ। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ प्रॉपर्टी। तो बच्चों सेवेंथ प्रॉपर्टी देखो, बहुत सारे ये जो अमोनिया हाइड्रोक्साइड है ये बहुत सारे मेटल आयंस के डिटेक्शन में मदद करते हैं, जैसे कॉपर, अगर आप लैब गए होगे तो कॉपर आयन की डिटेक्शन के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सिल्वर का जो है, या क्लोराइड आयन या सिल्वर आयन, इनका डिटेक्शन के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो इट क्या करता है ये अमोनिया, इट हेल्प्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ सम मेटल आयन्स बाय डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इन ऑर्डर टू फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्या करता है अमोनिया, अमोनिया पे लोन पेयर है आप जानते ही हो, ये उस मेटल आयन को अपना लोन पेयर दे देगा, तो लोन पेयर देने के कारण जो मेटल आयन है उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा और हमको एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल जाएगा जिससे हम ये डिटेक्ट कर पाएंगे कि ये कौन सा कैटायन है, जैसे क्यूप्रस, CO2+, एक्वस, अगर NH3 अमोनिया को डाल देते हैं तो क्या होगा, ये CuNH3O4 2+, ये ब्लू कलर का बनता है 4, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, ठीक है, ब्लू या डीप ब्लू भी बोल सकते हैं,
डीप ब्लू कलर का टेट्राएमीन कॉपर कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम कॉपर आयन का डिटेक्शन कर लिए। कैसे किए? अगर आपको एक सॉल्ट दे दिया और बोला कि बताओ इसमें कॉपर है कि नहीं, उसमें अमोनिया डालो, डालने के बाद अगर तुमको डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स या सॉल्यूशन मिले तो इसका मतलब उसमें कॉपर आयन है। दूसरा है सिल्वर, Ag+ सिल्वर क्लोराइड और Cl-, ये क्या होता है? ये दोनों मिलके AgCl जानते हो सॉलिड बनाता है। अब ये जो पहले तो ये कलरलेस होता है, ये वाइट, हम ये क्लोराइड के टेस्ट में भी यही चीज़ करते हैं, मतलब किसी क्लोराइड कंपाउंड में सिल्वर नाइट्रेट डाल दो, डालने पर अगर वाइट प्रेसिपिटेट आए इसका मतलब उसमें क्लोराइड आयन है, या हम उल्टा भी बोल सकते हैं, इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट तो हम डाल ही रहे हैं। अब ये जो है सिल्वर नाइट्रेट, अब सिल्वर क्लोराइड में अगर हम अमोनिया डाल देते हैं तो क्या होगा बच्चों? ये जो वाइट था कलर प्रेसिपिटेट, ये कलरलेस हो जाएगा और हमको एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। तो क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे? Ag(NH3) होल ट्वाइस Cl एक्वस, ये है कलरलेस, ये सॉल्यूबल हो जाता है अमोनिया में। तो दिस इज़ वन टेस्ट, ये हम क्लोराइड का टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं। क्लोराइड के टेस्ट के लिए क्या करते हैं? कोई क्लोराइड कंटेनिंग सॉल्ट में हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट डालने पे सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट डाल बनता है। इसी सिल्वर क्लोराइड में अगर हम अमोनिया डाल देंगे तो ये जो वाइट था ये अब एक ये सॉल्यूबल हो जाता है, हमको ये कलरलेस बन जाता है। तो इस ये टेस्ट क्लोराइड का एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। लास्ट जो बचता है दैट इज़ यूज़ ऑफ अमोनिया। तो यूजेस दो तीन ही आपको याद रखने हैं, क्या है वो मैं ये लिख देता हूँ। ये दो, ये जो पार्ट है बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये दोनों रिएक्शंस आपको आने चाहिए, याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ जो बोलते हैं वो, ये दो रिएक्शंस कंठस्थ होना चाहिए। यूज़, सबसे पहला, अब तक मैंने पहले भी बताया है, इट इज़ यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ, या क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन ऑफ, टू प्रोड्यूस इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, दैट इज अमोनिया इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। इन preparation of nitric acid, इसके अलावा liquid ammonia आप जानते ही हो, is used as refrigerant फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ सम कंपाउंड्स। तो आज इस लेक्चर में हमने अमोनिया के बारे में डिटेल में जाना, अमोनिया का स्ट्रक्चर, अमोनिया का शेप, अमोनिया को कैसे हम लार्ज स्केल में, स्मॉल स्केल में प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जाना, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना, कुछ डिटेक्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, और लास्ट इसके यूज़ के बारे में हमने जाना। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।